हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हर बार की तरह अपन एक पेट शॉप में जाने वाले हैं जो कि वंदे मातरम रोड। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा तो आपको शॉप दिखा दूँगा, मैं रिव्यू दे दूँगा पूरी शॉप का। और अपने घर के दो मेंबर, न्यू मेंबर देख सकते हैं आप, वो अगली वीडियो में आप देख लेना इन लोग को। इन लोग का सेटअप का भी मैंने वीडियो में डाला है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम लोग फाइनल निकल रहे हैं। अपने साथ है यश भाई और आर्मिस भाई जो कि कैमरे के पीछे रहते हैं हरदम। चलो चुके हैं लिटल पॉप में, देख सकते हैं आप, या इनकी शॉप है। और ये बोर्ड भी देख सकते हैं, ये बोर्ड है पूरा इनका लिटल पॉप का। यहाँ पे आपको सब वैरायटीज मिल जाएंगी और भाई प्राइस नहीं बोलेंगे, आप इनकी शॉप में विजिट हो जाओ और फिर प्राइस बोलेंगे आपको, जो चीज़ चाहिए उसका प्राइस आपको मिल जाएगा। आपकी शॉप कौन सी एरिया में? वंदे मातरम GF44 सुकन प्लेटिनम। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं इनकी शॉप, यहाँ पे आपको बजिश पैर और कांकेज सब कुछ मिल जाएंगे, अडल्ट बजिश पैर से सारे। और ये कौन सी? ये लव बर्ड्स है। इसमें ग्रीन फिशर है और लूटिनो है। ओके, और ये कौन से बर्ड्स है सारे? ये सारे एडल्ट बजिश है। क्वालिटी आप देख सकते हो कि कैसी है। हाँ, क्वालिटी तो अच्छी है। हाँ जी, एडल्ट बजिश है सारे। हाँ, और ब्रीडिंग पैर अभी आप डालोगे तो ब्रीड भी कर सकता है ये। ओके, और ये कौन सी बर्ड्स है? ये फिंचिस है। और फिंच अभी पट्टे है सारे। ओके, पट्टे सारे, अभी ब्रीडिंग नहीं करेंगे गाइस। हाँ, अभी ब्रीडिंग नहीं हो सकता इसका, अभी 3 महीने बाद हो सकता है इसका ब्रीडिंग। और कॉकटेल्स? ये कॉकटेल्स है सारे, उसमें हैंडटेम भी आपको कॉकटेल्स मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो। हैंडटेम कॉकटेल्स भी मिल जाएंगे गाइस आपको यहाँ पे। और नीचे भी बजिश पे रॉड्स, ये बजिश के पट्टे हैं सारे। ये बजिश के पट्टे हैं सारे गाइस, देख सकते हैं गाइस। आपको यहाँ पे फ्रूट्स भी मिल जाएंगे सारे, देख सकते हैं आप। ये तो पूरा प्लांटेशन है। हाँ, प्लांटेशन एक्वेरियम है और इसके अंदर लाइव सैंड है, ADA की सैंड है इसके अंदर। और ये सारे लाइव प्लांट्स हैं और इसके अंदर फिशिस गोरामी है और एलगीटर्स है सारे। एलगीटर्स है सारे और गोरामी फिशिस भी है गाइस इधर। एलगीटर्स से बेनिफिट से होता है कि लील नहीं जमती। हाँ, तो उससे क्या कि ग्लास क्लीनर, हाँ ग्लास क्लीन का काम करेगा ये। और ये फाइटर्स देख सकते हैं गाइस, कितनी खूबसूरत है ये। ये इम्पोर्टेड फाइटर्स है सारी। हाँ, ये इम्पोर्ट लाइन की फाइटर है, देख सकते हैं गाइस। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, फुल मून है सारे। और ये सर ये क्या है? एलिगेटर है, एलिगेटर गार है ये। एलिगेटर गार, हाँ जी। और इसकी साइज आप देख सकते हो, बहुत बड़ा है गाइस ये एलिगेटर गार। हाँ जी, और ये लाइव फीडिंग ही करता है अभी। लाइव फीडिंग यानी गाइस ये रियल छोटी छोटी मच्छी खाता है। हाँ, जो अपने वो आती है गोल्डन फिश के बच्चे, लाइव फीडिंग करता है ये। हाँ जी, लाइन फिश है, जेब्रा बोलते हैं इसको। इसको जेब्रा फिश है ये, इसको जेब्रा फिश बोलते हैं। सारी चिकलेट्स है, पैरट्स है, ऑस्कार्स है, मोनो एंजल है और डॉलर्स है। और ये सब ऑस्कार है। ये ऑस्कार है, ये चिकलेट, पूरा चिकलेट टैंक है इसके अंदर। ओके, ये ऑस्कार है और ये पैरट फिश है। हाँ, ये पैरट्स है, ये ऑस्कार्स है और ये वो कैट, हाँ कैट फिश है। हाँ, देख सकते हैं गाइस। और ये जेब्रा फिश नहीं, वो ये डॉलर है, डॉलर फिश है। हाँ, ये डॉलर है, टिम्फॉइल बार्ब है। ओके, तो देख सकते हैं। और इन लोग का पानी, इनको ये एकदम सिंपल पानी में रखा जाता। हाँ, है ये फ्रेश वाटर फिश है सारी, फ्रेश वाटर फिश। हाँ जी, और ये जो प्लांटेशन मैंने आपको अभी दिखाया है उसके अंदर RO वाटर यूज होता है। ओके, और इसके अंदर आप नॉर्मल पानी यूज कर सकते हो। ओके, ये ऑस्कर्स के बेबीज है, ये ऑस्कर के बेबीज है गाइस, देख सकते हैं। उसमें अल्बिनो ऑस्कर्स भी है, अल्बिनो ऑस्कर्स है, ये कॉपर ऑस्कर है, कॉपर ऑस्कर है और ये अल्बिनो है और ये टिम्फॉइल का बड़ा साइज है। ओके, मॉलीज है और टाइगर बार्ब है और बाजू में फिर चिकलेट्स है, चिकलेट के सारे बच्चे हैं, चिकलेट्स के बच्चे गाइस देख सकते हैं आप इधर।
और ये ब्लैक ब्लैक मून मॉलिस देख सकते हैं, ब्लैक कलर की है सारी। और ये नीचे सारे गोल्डफिश के स्पीसीज है, ब्लैक कैप है, गोल्डफिश है, फिर कोई है, मिल्की कोई है, शार्क्स है। सही है, देख सकते हैं गाइस आप। और ये कौन सी है, गुरामी फिश से लग रहा है। नहीं, ये पिराना है भाई, पिराना ये अल्बिनो पिराना है। हाँ, और उसके बाद पैरेट फिश भी है पीछे। हाँ, उसके साथ एक पैरेट डाली हुई है। और ये इतनी बड़ी कौन सी है, ये कैट फिश है गाइस, देख सकते हैं आप। हम जंबो फिश में ज्यादा डील करते हैं उसका। और केजीज भी है हमारे पास, केजीज देख सकते हो गाइस। हाँ, उसमें इंपोर्टेड केजीज भी है। और ये बजीज पैरट के लिए है। और ये गिनी पिग का हैमस्टर्स का भी केज है हमारे पास। और गाइस यहाँ पे गिनी पिग हैमस्टर भी मिल जाएंगे, देख सकते हो। और गिनी पिग हैमस्टर्स भी आपको लाइव मिल जाएंगे। ये हैमस्टर्स है, ये हैमस्टर्स है गाइस। यहाँ पे भी फाइटर फिशेज है, देख सकते हैं। ये फाइटर फिश है। और ये एक्वेरियम क्लीन करने का लिक्विड है, इससे एक्वेरियम क्लीन किया जा सकता है। और ये हीटर, सारे हीटर, अभी हीटर्स की सीज़न चल रही है, अभी विंटर चल रहा है। हाँ। तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक हीटर भी है, और जो पहले आता था वो वाला हीटर भी है हमारे पास। ओके, और वो पंप, वो ये सारे पंप्स है, ये आरएस इलेक्ट्रिकल का है ये पंप। ओके, देख सकते हैं गाइस। हाँ जी। और आपको बिस्किट्स भी मिल जाएंगे डॉग्स के ऊपर, देख सकते हैं। हाँ जी। और तो ये एक्वेरियम लाइट्स भी है, एक्वेरियम लाइट्स भी मिल जाएंगी। एक्वेरियम लाइट्स है, एक्वेरियम की ऑल ऑफ एसेसरीज आपको इधर मिल जाएगी। ओके। और आपको फिल्टर्स के अंदर क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब हमारे पास अवेलेबल होता है। कैनिस्टर फिल्टर है, सम फिल्टर है, आप जो भी बताओ उस हिसाब से हम आपको। और गाइस यहाँ पे डॉग्स के भी बेल्ट्स भी मिल जाएंगे। डॉग के बेल्ट्स है सारे, जस्ट बेल्ट्स है सारे। ये बेल्ट अलग अलग जैसी क्वालिटी होती है उस हिसाब से प्राइस होता है उसका। ओके। तो गाइस आपको डॉग्स की भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सारी वैरायटीज, देख सकते हो। डॉग्स के अंदर फूड्स के अंदर सारी वैरायटीज है हमारे पास। ओके। ये स्टार्टर फीड के अंदर मेरेलेक है, मेरेलेक। आप मेरेलेक स्टार्टिंग बेबीज होता है 10-15 डेज के बाद। हाँ। ये मेरेलेक दे सकते हो। उसके बाद पपी का फूड जो आता है, पेडिग्री, रॉयल कैनन, जो भी आप प्रीफर करो उस हिसाब से। ये सारी मेडिसिन है। हाँ। ये मेडिसिन आपको सारी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हिसाब से हम देते हैं आपको। ओके। और ये कैल्शियम से सारे। हाँ, ये कैल्शियम बोन्स है, ये कैल्शियम बोन्स है सारे। ये कैल्शियम बोन आपको खिला सकते हो ट्रीट के माफी के। और बिस्किट्स है सारे। हाँ गाइस, आपको यहाँ पे सारे ये बिस्किट्स है। और ये टर्टल ट्रे भी है हमारे पास, टर्टल ट्रे भी मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं गाइस। हाँ जी। और यहाँ पे पेडिग्रीज भी दिखा दो। ये पेडिग्री वाइमिरल आपको जो भी हमारे पास हमारी शॉप पे आपको वेटरनरी डॉक्टर भी अवेलेबल है। 6 से 8 बजे यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ये बिस्किट्स का है। हाँ, बिस्किट्स है, ये डॉग बिस्किट्स है सारे, देख सकते। और ये स्पॉन्ज फिल्टर के लिए है, ये फिल्टर के अंदर आप डाल सकते हो जैसे पानी क्लीन होता है एक्वेरियम के अंदर। और ये क्या है, वो गिनी पिग का जो ये भूसा भरा हुआ है ना। हाँ। वो भूसे जैसा है ये। ओके। हाँ जी, देख सकते हैं आप। ये गाइस यहाँ पे बेल्ट भी मिल जाएंगे आपको डॉग्स के। हाँ जी, देख लीजिए। और पेडिग्री है, पेडिग्री है, रॉयल कैनन है, अगर मेरा कोई ब्रीड्स का फूड मिल जाए, कोई भी मेरा भाई गोता में रहता हो तो आप यहाँ पे आके विजिट करें, आपको कोई दूर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको सब पेडिग्रीज मिल जाएंगे, चेस्ट बेल्ट डॉग्स के मिल जाएंगे, सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। होम डिलीवरी भी करते हैं, होम डिलीवरी भी मिल होम डिलीवरी भी करते हैं, पर उसका अमाउंट 1000 रुपीज से अप होगा तो आपको होम डिलीवरी भी हो जाएगा। और होम डिलीवरी के चार्ज लगेंगे नहीं, 1000 के अप होगा तो नो चार्जेस। ओके, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे अच्छा सिस्टम है बहुत। और यहाँ पे पेडिग्रीज के कट्टे मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे, देख सकते हैं। और एक कैट्स बैग से सारे, 15 किलो के बैग से गाइस सारे। और यहाँ पे कैट्स के लिए भी फूड मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं कैट्स के फूड है। और यहाँ पे ब्रीडिंग बॉक्स दिख रहा है, वो ब्रीडिंग बॉक्स है, ब्रीडिंग बॉक्स है सारे, वो सारे ब्रीडिंग बॉक्स है। आपको यहाँ पे ब्रीडिंग बॉक्स भी मिल जाएंगे गाइस, देख सकते हैं। आप अपने बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग बॉक्स लगाए जरूर, अच्छा रहेगा आपके लिए।
ब्रीडिंग बॉक्स लगाएंगे, उसका क्या फ़ायदा है, अच्छे से ब्रीड करेगा। उसके अंदर भूसा डालना ना भूले गाइस, क्योंकि आप भूसा नहीं डालोगे तो आपके बर्ड्स के जो चीक्स हैं ना उसके पाँव मुड़ जाएंगे पूरे, तो भूसा ज़रूर डालें आप अगर लगाते हो ब्रीडिंग बॉक्स तो। और गाइस यहाँ पे ये क्या है, ये क्लोथ्स है डॉग के, क्लोथ्स जो विंटर सीजन में डॉग को ठंडी लगती है उस हिसाब से उसके क्लोथ्स है सारे, देख सकते हैं गाइस। हाँ ये आपको खोल के देखना हो तो भी देख सकते हो आप, देखिए गाइस दोबारा दिखा। हाँ जी खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये डॉग के क्लोथ्स है, ये आपको चार पैरों से ऐसे हो जाएगा। ओके ओके, और ये इधर उसके यहाँ मुँह आएगा और ये चार पैर है। ओके सही है गाइस, हाँ देख सकते हैं इसका कपड़ा भी अच्छा है गाइस, कपड़ा भी अच्छा है, उसका फैब्रिक भी अच्छा है और उसका मटेरियल आप खुद ही देख सकते हो आकर। गाइस बहुत सुपर मटेरियल इसका, आप देख सकते हैं आपके डॉग को ठंडी नहीं लगेगी इसको अगर पहना दोगे तो आप। और आते आपको ब्रीडिंग सेटअप पूरा करना है तो हम आपके घर पे आके भी ब्रीडिंग का सेटअप पूरा करके देते हैं गाइस, ये आपके घर पे आके केज बना देंगे पूरा, ब्रीडिंग सेटअप करके चले जाएंगे, देख सकते हैं आप ऑर्डर दे दीजिए खाली इनको, वो आपके घर पे आके आप बना सारा सब कुछ काम पेट्स के रिलेटेड हम इधर करते हैं, आपको जो भी सारा काम हो जाएगा पेट्स के रिलेटेड इधर। और ये चेस्ट बेल्ट देख सकते हैं गाइस आप, कितना खतरनाक बेल्ट है गाइस, एकदम दिखने में एकदम पिटबुल अमेरिकन बुली को लगाया तो एकदम सुपर दिखेगा। ओके इसके लिए जोरदार दिख रहा है देखो, ये डिस्प्ले अच्छा रहेगा दिखने में बाहर से अच्छा एकदम। और कैट्स के भी यहाँ पे वो मिल जाएंगे आपको, वो ग्रेवी है सारी, वो ग्रेवी है कैट्स की है, रॉयल कैनन की है, पेडिग्री की है, डॉग्स की भी है। ओके सारी ग्रेवीज भी मिल जाएंगी गाइस आपको यहाँ पे। हाँ जी और ये टॉयज भी मिल जाएगा आपको, टॉयज डॉग टॉयज आपको जो भी लेना हो, और आपका डॉग के लिए आपके अगर ज़्यादा हाँ अगर आपको अग्रेसिव हो तो मुँह पे लगाने के लिए भी ये चल जाएगा, और डॉग्स के लिए ये बैट्स है सारे, सारे बैट्स भी है गाइस। हाँ कि आपको बैट्स कैसे देख सकते हैं गाइस, बैट्स भी है यहाँ पे भाई, खोल रहे बैट, यहाँ पे फोल्डिंग केज भी मिल जाएगा गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे फोल्डिंग केज है पूरा इसके नीचे है, ये खोल नहीं रहा है अभी जाने दो, और ये फोल्डिंग केज भी है मिल जाएगा आपको। हाँ फोल्डिंग केज से ट्रैवलिंग केज भी है हमारे पास, ट्रैवलिंग केज भी मिल जाएंगे छोटे छोटे बॉक्स, अगर आपको चाहिए तो ट्रैवलिंग केज किधर भी आपको कैरी करना है आपका बर्ड्स तो आप ले जा सकते हो, देख सकते हैं गाइस ये ट्रैवलिंग केज, खाली इसको ऊपर करना है बस आपको। हाँ जी और आपको बर्ड्स मिल जाएगा। और ये सब क्या है, ये सब डॉग्स के मतलब कपड़े ही है, कपड़े ही डॉग्स के यहाँ पे मिल जाएंगे, जैकेट सारे आपको। कपड़े मतलब आपको वैरायटीज ऑफ आइटम ज्यादा मिलेगा। ओके और ये बाउल्स सारे, ये बाउल्स है सारे डूल्स के बाउल्स है सारे, और यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएंगे, ट्रीट्स मिल जाएंगे, ट्रीट्स मिल जाएंगे सारी देख सकते हैं गाइस, उसके ट्रीट ऐसे ये सारे। ओके देख सकते हैं गाइस, और वो घोंसले का ही है। हाँ वो फिंचिस के लिए ब्रीडिंग जो बॉक्स है ना, फिंच के लिए ये लगता है, फिंच के लिए ये लगता है गाइस, हमने बजिस के लिए ब्रीडिंग बॉक्स लगता है, देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, देख लीजिए गाइस फिंचिस के लिए है ये, फिंचिस के लिए है, अगर आपको देखना है देख सकते हो कि अगर आपको बालकनी में भी ऐसे ही लगाना है तो भी आप लगा सकते हो गाइस, एकदम नेटिंग सही है एकदम थी, देख सकते हैं फिंच के लिए एकदम परफेक्ट है।
बिट्स मिल जाएगी आपको, सारी बिट्स और ओवर वर्ल्ड में जो भी ब्रीड है यहाँ पे अवेलेबल है, और आपको ऑर्डर पे अपने मंगवाते हैं सारी ब्रीड्स मिल जाएगी ऑर्डर, आपको ऑर्डर पे भी सारी ब्रीड्स मिल जाएगी। यहाँ पे सारे डॉग्स भी अवेलेबल नहीं है, अपन कर देंगे वो, आपको ऑर्डर कर सकते हैं आप उनको, ऑल ओवर गुजरात ही खाली वो डिलीवरी होएगा, इधर बाहर नहीं होएगा, ऑल ओवर खाली गुजरात में डिलीवरी होएगा, तो सारी ब्रीड्स मंगा सकते हो ना आप, सारी ब्रीड्स नॉर्मल ब्रीड में चलता अपना लैब्राडोर है, जर्मन शेपर्ड है, पोमेरियन है, हस्की है, सारी ब्रीड अपने यहाँ पे ऑर्डर पे मंगवा देते हैं, ऑर्डर पे मंगवा देंगे गैस, तो आप मंगा सकते हैं इनसे, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूँगा शॉप ओनर का, तो आप मंगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पे नए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और गाइस हम लोग यहाँ पे रास्ते में एक पेट शॉप है दूसरा, उसका मैं व्लॉग दूसरे यानी पार्ट टू में रख दूंगा, था आप पार्ट टू को भी देख लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।